गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हमारा सब्जेक्ट है हिंदी और हमारा चैप्टर नंबर 9 कैसा शोर, उसमें हम वर्क बुक में कर रहे थे। ओके स्टूडेंट, चलो हमने क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर लिया था, अब क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित वाक्य से क्रियापद छांटकर लिखिए। जो इसमें क्या कह रहे कि क्रियापद, हम जो भी क्रिया कर रहे हैं वो हमें क्या करना है, उस पर अंडरलाइन करना है। ओके स्टूडेंट, चलो फर्स्ट मोहन पढ़ता है, तो मोहन क्या कर रहा है, पढ़ता है, तो ये उसका क्या हुआ, क्रियापद हुआ, ये कार्य कर रहा है, तो इस पे आपको अंडरलाइन करनी है। और यहाँ जो आपको बाजू में जो खाली जगह दी है उसमें आपको क्या करना है, लिखना है। ओके स्टूडेंट, चलो सेकंड, कनक दौड़ता है, कनक क्या कर रहा है, तो दौड़ता है, तो हमें उस पर अंडरलाइन करनी है कि वो दौड़ता है। ओके चलो थर्ड, सलीम पानी पीता है, सलीम क्या कर रहा है, पानी पी रहा है, वो पानी की क्रिया कर रहा है कि वो पानी पानी का कार्य कर रहा है, तो आपको इधर क्या करना है, अंडरलाइन करना है कि पीता है। ओके चलो फोर, गीता खाना खाती है, तो आप क्या लिख इस पर क्या किस पे अंडरलाइन करोगे, खाती है, तो आपको इस पे अंडरलाइन करनी है। ओके चलो फाइव, रुचा गीता खिलती है, जो तो आपको उस पे रुचा क्या कर रही है, खिलती है, तो आपको उस पर अंडरलाइन करनी है। ओके स्टूडेंट, चलो सिक्स, विजय खेलता है, विजय क्या कर रहा है, खेलता है, तो वो उसका क्या हुआ, क्रियापद हुआ, तो खेलता है, उस पे आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 12, भिन्न शब्द पर गोला कीजिए। जो ये आपको चार वाक्य दिए हैं उसमें से जो अलग हो उस पे आपको क्या करना है, राउंड करना है। फर्स्ट मूली, बैंगन, आम और आलू, तो उसमें अलग क्या है, आम है, क्योंकि ये तीन सब्जियां है, उसमें एक फ्रूट है, फल है, इसलिए आम, आम पे आपको क्या करना है, ऐसे राउंड करना है। ओके स्टूडेंट, चलो रतालू, सेब, लौकी, पालक, तो इसमें से कौन सा अलग पड़ेगा, तो सेब, सेब फल है, तो आपको इसमें ऐसे अंडरलाइन करना है सेब पर। थर्ड अनार, केला, कुंदरू अने अंगूर, तो उसमें से क्या अलग पड़ेगा, तो कुंदरू, वो एक सब्जी है, इसलिए उस पर राउंड करना है। फोर भिंडी, बंद गोभी, तुरई और केला, तो इसमें से अलग क्या है, केला है, क्योंकि वो फल है, बाकी सब सब्जी है, तो आपको केले में क्या करना है, ऐसे राउंड करना है। ओके फाइव, पपीता, सेम, करेला, प्याज, तो आपको इसमें तीन सब्जियां दी है लेकिन एक है फल है, वो अलग है, इसीलिए पपीता पे आपको क्या करना है, ऐसे राउंड करना है। मैंने सिर्फ आंसर ही लिखे है। ओके स्टूडेंट, सिक्स लहसुन, कद्दू, अदरक और मिर्च, तो सारी सब्जियां है लेकिन उसमें फल क्या है, कद्दू, तो आपको उसमें क्या करना है, ऐसे राउंड करना है। सेवन चंपा, चमेली, कनेर और करेला, तो करेला वो अलग है, सब्जी है, तो इसमें आपको क्या करना है, ऐसे सर्कल बनाना है। ओके आपको समझ आया, चलो हमने क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट कर लिया था, चलो अब क्वेश्चन नंबर 13, चलो पेज नंबर निकालो 72। कोष्टक में 23 सब्जियों के नाम छिपे हैं, उस पर गोला कीजिए और नीचे हिंदी और
नाम के जोड़े लिखिए, जो इसमें जो बॉक्स दिया है उसमें अलग अलग शब्द दिए हैं आपको, उसमें राउंड करना है, सब्जी का नाम ढूंढ के उसमें राउंड करना है। ओके स्टूडेंट, चलो मैंने इधर ये सारे नाम लिखे हैं। ओके, आपको आपकी वर्कबुक में गोल सर्कल करना है, ये जो नाम है उसी पर राउंड सर्कल करना है। ओके स्टूडेंट, चलो फर्स्ट क्या है, कुंदरू, आलू, शकरगंज, प्याज, मटर, लौकी, गाजर, बंद गोभी, फूल गोभी, हरी मिर्च, भिंडी, करेला, टमाटर, बैंगन, धनिया, अदरक, कद्दू, तुरई, जमीकंद, चरचिड़ा, रतालू, मूली, पालक और लहसुन। ओके स्टूडेंट, ये आपको क्या करना है, बॉक्स में सब्जियां सब्जी के नाम ढूंढ के आपको उसमें राउंड करना है। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।